आखिर ड्राइवर को पिटाई क्यों की गई? ड्राइवर रोड के साइड में खड़ी थी, उससे पैसा का मांग किया गया है। 8 दिन से गाड़ी खाली खाली खड़ी हुई है वहाँ पे, कि तुम हटाओ यहाँ से गाड़ी या तो पैसा दो। पैसा नहीं देने पे उसको मार के सर पे अपने डंडे से मार के उसके सर को फाड़ दिया गया। 8 दिन जाके क्यों खा है? खाली माल अंदर से नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी वापस खाली जाएगी तो उसको तेल खर्चा लगेगा, कहाँ से लाएगा पैसा? वो पैसा तो होना चाहिए उसके पास, नहीं है। उसके पास पैसा है ही नहीं है। जब तक माल लोड नहीं करेगा तो कहाँ से पैसा लाएगा? वो खाली बैठा हुआ है, माल लोड करके ही जाएगा। वो पैसा नहीं देने पे गार्ड को मार के मार दिया गया उसको, ड्राइवर को। क्यों भैया? मैं हूँ कंडक्टर साहब। हाँ, 8 दिन से खड़े थे और ना आया गार्ड, बोला भोजडी के गाड़ी हटा यहाँ से, और नहीं हटाया तो बोला पैसा दे, पैसा बोले हम पैसा नहीं हम पे, तो पैसा ना दिया तो बोला भोजडी का डंडा लेकर यहाँ से गए और उनके चाय पी रहे थे, उन्होंने खोपड़े में मार दिया डंडा। हम 8 दिन से खड़े थे। लैंग्वेज यूज किया जा रहा है जो आप सुन रहे हैं, क्या उचित बात है ये? हाँ, आप सरकारी महकमा में रह के केंद्र सरकार का ये ICP, हाँ वहाँ पे गिर गए हैं, गार्ड हट के चला गया, उनको उठाना नहीं है, उनको संभालना नहीं है। अभी आया लोग उठा के लेके चला गया लोग, अब मीडिया आया तो सब हो रहा है। वहाँ पे गिर गए हैं, वहाँ पे बेहोश है। मीडिया नहीं आया था तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे बेहोश है। हम वीडियो दिखा सकते हैं, वहाँ पे बेहोश है, वहाँ पे वीडियो किया जा रहा था। उसके बाद में वो उसको उठा के इधर बिठाए थे लोग, फिर बोले ना लोग ले जाके पहले दवा ववा कराने के लिए, खून ज्यादा गिर रहा था। उसके बाद में बोला है लोग नहीं पहले मीडिया आएगा, थाना आएगा, तब कुछ होगा। उसके बाद में यहाँ पे वो खुद बैठे हैं, हाँ जनता बोली है, यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद में अंदर पूरा बंद कर दिया लोग, जस्ट बंद कर दिया लोग, अंदर है लोग। उस वक्त से कुछ भी नहीं है, मीडिया आया तो अभी खोल के आए लोग पूरा। अभी अभी SSB निकला है, ठीक है, अभी SSB निकला, उसके बाद में गार्ड आया लोग, अभी लेके गया लोग। अब ये कौन सा कहाँ ये जो मारा? हम मिस्त्री हैं, हम बैटरी लेकर के आ रहे थे तो इनको देखे हैं, वो तो बेचारे चाय पी रहे थे, पहले देह पर इनका पड़ा है, ठीक है, देह पर पड़ने के बाद उसे पैसा मांग किया गया ना कि पैसा दो पहले, वो कुछ बोल रहा था, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था वो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हम अपने काम में थे। अब ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं तो खुद 8 दिन से खड़ा हूँ, मैं तो ट्रांसपोर्ट से लेके खा रहा हूँ पैसा, अब माल लोड होगा तो उसमें मेरा पैसा कटेगा, उसके बाद में तुम अपना मतलब जो चाहे वो ले लेना। तो ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब बताइए ये कैसे, बताइए पैसा वाला उसी के साथ मैटर है क्या? नहीं, वो तो गार्ड पैसा लेता है भाई, तब लाइन में पैसा दीजिएगा ठीक है, ना तो आउट कर देगा। कोई पैसा देता है तो रसीद उसी देता है, कुछ नहीं मिलता है। क्या मतलब कैसे क्या आप लोग? रंगबाजी टैक्स है, रंगबाजी है। 150 रुपए ले लेते हैं अपना, चल भाई कोई पर्ची वर्ची कुछ नहीं। जब आप रक्सौल में इन करते हैं तो कितने जगह पैसा आपको देना पड़ता है? रंगदारी रंगदारी यहाँ से 3-4 जगह पीछे देना पड़ता, चार जगह पीछे कम से कम, पीछे 4-5 जगह। हाँ, सब गाड़े लोग लेते हैं, गार्ड है कहीं, वैसे लोकल आदमी है, लोकल आदमी। हाँ, वो पर्ची ले रखे हैं, पर्ची रख। तो आप लोग पैसा क्यों देते हैं? नगर परिषद का वो पुर्ची जो पर्ची, वो पर्ची देता है आपको, वो नगर पालिका के अंदर जब जाइएगा तब लगता है, लेकिन उसमें है नहीं, लेकिन रंगदारी दिखाते हैं ना। वहाँ क्या है क्या, देखो नगर पालिका हम समझते हैं कि आप जहाँ शहर आपको पर्ची देता है तो बोलिए भाई हम नगर परिषद के अंदर नहीं है कि आपको हम पैसा देंगे। मीडिया को कॉल कीजिए, प्रशासन को कॉल कीजिए। सर अब हम बाहर वाले ये बताइए, मैं दिल्ली से हूँ, ये सरपाड़ा है, ये UP से है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई भैया जी। और जो जो ये ड्राइवर के चोट लगी है उसको ये कहाँ लेके गए हैं? हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ पे? हॉस्पिटल, अस्पताल। अच्छा, ये रंगदारी है क्या? नहीं है। अच्छा, वो तो बाहर का, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है, जो क्या हुआ यहाँ भी यही हुआ है। वो गार्ड गाड़ी वाला कई दिन से खाली खड़ा है, मतलब बिगैर पर्ची के भी रंगदारी है और पर्ची के भी रंगदारी है। अरे बाहर के गाड़ी वाला था, उस साइड में था, लगा था वो अपना, कोई रॉन्ग साइड में नहीं था, वो अपना साइड में था। वो आकर क्या बोला क्या नहीं बोला, वो ना धुन लाठी चार्ज करने लगा उस पर, हम लोग देख रहे थे अपना। गार्ड को पहचानते? गार्ड तो ऊपर टोका का है। हाँ, गार्ड तो अंदर बड़े का बुड्ढा का है, पहचानते क्यों नहीं? तक जनता ने देखा मार तो, वो तो पहचानेंगे नहीं। अरे पर्ची देगा लोग तो ये पार्किंग का हालत ऐसे नहीं रहेगा, इसमें 5,000-4,000 रुपए लगाएगा नहीं हो। और ये कच्ची पार्किंग है, इसमें रंगदारी ज्यादा मांगता है। कच्ची पार्किंग में डेली किराया आ रही है, 4-5,000 रुपए गाड़ी वाला दे रहा, गाड़ी फंस रही है तो उसको निकलवाने के लिए। धन्यवाद। ICP के मैनेजर से हमने बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर, लेकिन गार्ड साहब हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी मैनेजर साहब से मुलाकात नहीं होगी, जब तक छानबीन पूरा नहीं करेंगे मैनेजर साहब तब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते हैं।